أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कंप्यूटर ग्राफिक्स में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कलर एंड ग्रे स्केल। ठीक है, कलर इमेजेस और ग्रे स्केल जो इमेजेस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कलर एंड ग्रे स्केल, टू पिक्सल वैल्यूज इन एन इमेज इज कॉल्ड बाय लेवल। टू पिक्सल वैल्यू बाय लेवल आर वन बिट पर पिक्सल इमेज। कलर्स आर ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, जो दो कलर्स पे वो है ब्लैक एंड वाइट पे, कोई और कलर उसमें नहीं होगा। सो दे आर द बाय लेवल इमेजेस आर पर वन बिट पर पिक्सल इमेजेस होते हैं, जिसमें टू कलर्स रहते हैं ब्लैक एंड वाइट। टू रेस टू पावर एन पिक्सल्स वैल्यू इन एन इमेज रिक्वायर्स एन बिट्स पर पिक्सल एंड गिव्स टू रेस टू पावर एन शेड्स ऑफ ग्रे। ठीक है, जो टू हमारे पास टू कलर्स होंगे। ठीक है, जो है मल्टीपल उसमें शेड्स कितने हैं, मल्टीपल जितने भी शेड्स आएंगे डिपेंड करेगा, बट दैट विल बी द कम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड वाइट। जो बहुत ज़्यादा ब्लैक होगा फिर उससे जो आहिस्ता आहिस्ता लाइट होता जाएगा जो ग्रे से हो के फिर वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ब्लैक कलर है जितना वो डार्क होगा और फिर वो लाइट होता जाएगा, कितना लाइट होता जाए जब तक वाइट तक पहुँच जाए। ठीक है, मोस्ट कॉमनली एन इज़ टू फोर आर एट producing 416 and 256 shades of grey. ठीक है, 256 shades of grey will be produced. ठीक है, अब इस grey shades हैं। ठीक है, अब ये 256 types के grey shades होंगे। ठीक है, जो कि black से dark black से फिर आहिस्ता low हो के black से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कलर उसका डिम होता जाएगा, ब्लैक से थोड़ा सा वाइट की तरफ आएगा ग्रे और फिर एंड पे जो है बिल्कुल वाइट कलर तक ये पहुंच जाएगा। सो देयर विल बी 256 शेड्स ऑफ द ग्रे। एन इमेज विद 8 बिट पर पिक्सल मे बी रिड्यूस्ड टू फ्यूअर बिट्स पर पिक्सल बाय ट्रंकेटिंग द वैल्यूज। ठीक है, सो ग्रेडेशन ऑफ द ग्रे मे चेंज टू यूनिफॉर्म शेड्स ऑफ ग्रे। ठीक है, मल्टीपल जो है यूनिफॉर्म शेड्स ऑफ ग्रे के ग्रे शेड्स जो है यूनिफॉर्मली वो चेंज होना, उसकी बिट वैल्यू चेंज हो रही है ना, बिलो 6 to 4 and 1 बिट पर पिक्सल। ठीक है, पर पिक्सल जिसकी वैल्यू है 1 बिट पर पिक्सल भी वैल्यू हो सकती है, 2 बिट्स भी है, 3 और 6 बिट्स पर पिक्सल हो सकती है फॉर द ग्रे शेड्स। कलर इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज अ कम्बिनेशन ऑफ रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट। ठीक है, जो जितने भी ये कलर्स है दैट विल बी द कम्बिनेशन ऑफ RGB, जो कि मैंने आप लोगों को पहले से बताया कि ईच पिक्सल इज अ टपल। ठीक है, टपल ऑफ फॉर एग्जांपल जो है 23, 14 and 51। ठीक है, फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू, सो द वैल्यू दिस वन दिस विल बी फॉर R, दिस विल बी फॉर G एंड दिस विल बी फॉर B। ठीक है, RGB। सो अब इसकी जो वैल्यू है द वैल्यू ऑफ 32 दिस विल बी फॉर द रेड। अब 23 की जो करस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यू है, ठीक है, 23 की जो भी बाइनरी वैल्यू है दैट विल बी द बिट वैल्यू ऑफ द रेड। एंड 14 की जो बाइनरी वैल्यू है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रीन। एंड 51 की जो बाइनरी वैल्यू है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ब्लू। ठीक है, सो इसकी जो बाइनरी वैल्यूज है जो कि 0 से स्टार्ट होके जितने भी 2^8 तक जाएगा, तो ये तीन वैल्यूज जो है रेड ग्रीन और ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि 0 से लेके अप टू जितने भी 8 बिट्स जो है 80 से लेके 81, ये भी 80 से 81 और ये भी 80 से 81 पॉसिबल जितने भी इसके कम्बिनेशंस होंगे। द टोटल नंबर ऑफ बिट्स अलाउड फॉर द RGB वैल्यूज इज द कलर डेप्थ। ठीक है, जितने भी बिट्स इन्वॉल्व होंगे फॉर दीज वैल्यूज। ठीक है, अब 23 के लिए जितने बिट्स तो कलर बिट्स वो कलर डेप्थ विल बी द बिट अलाउड फॉर द रेड ग्रीन एंड ब्लू। एज जिस तरह मैंने आपको पहले कहा है कि ये 8 बिट वैल्यू इसके लिए, 8 इसके लिए और 8 इसके लिए, सो 8 3 24, सो दीज ऑल वैल्यूज आर 24 bits। ठीक है, 24 bits वैल्यू है हमारे पास, जो कि अब हम उसको 2^24 करेंगे। 2 इसलिए है कि बाइनरी वैल्यू है ना, सो 2 एंड 2^24 जितने पॉसिबल कम्बिनेशंस होंगे दैट विल बी द बिट वैल्यू ऑफ दिस होल। ठीक है, सही है, तो यहाँ पे जो है 8 बिट इसके लिए, 8 इसके लिए और 8,
इसके लिए, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ बिट्स अलाउड फॉर आरजीबी वैल्यू इज द कलर डेप्थ, ठीक है। अ कलर डेप्थ ऑफ 8 इज ऑफन यूज 3 बिट ईच फॉर 8 रेड ग्रीन एंड रेड ग्रीन एंड 2 फॉर ब्लू। अगर हम इस सब के लिए 3 बिट्स यूज करें, ठीक है, अगर हम आरजीबी को के लिए कंबाइंडली 24 के बजाय हम 8 बिट्स यूज करें, ठीक है, आर जी एंड बी, अगर इसके लिए कंबाइंडली 8 बिट वैल्यू हो तो 3 इसके लिए एंड 2 इसके लिए एंड 2 बिट्स फॉर बी। अ कलर डेप्थ ऑफ 8 इज ऑफन यूज 3 बिट। अगर कलर डेप्थ हमारे पास 8 है 24 के बजाय तीनों के लिए, अगर कलर डेप्थ 8 है, ठीक है, नॉट फॉर वन कलर, देन 3 बिट्स फॉर रेड, 3 बिट्स फॉर ग्रीन एंड 2 बिट्स फॉर ब्लू, ठीक है। कॉमनली द 8 बिट डेप्थ इज यूज इन एन इंडेक्स इन टू द टेबल ऑफ द कलर्स लुकअप टेबल आर कलर लुकअप, यूज फॉर दिस। ट्रू कलर इमेजेस हैव कलर डेप्थ ऑफ 24 आर 32 बिट्स, जिस तरह मैंने बताया था कि जो ट्रू कलर्स है, जो एक्चुअल कलर्स है, जिसकी बात जो मैक्सिमम कलर जो प्रोवाइड कर रहे हैं, देट विल बी 24 से भी आगे जो है इसकी वैल्यूज जा सकती हैं, ठीक है। और 24 तो एक्चुअल कलर्स हैं, और जो बाकी बिट्स है वो उसकी जो शार्पनेस होती है कितना, वो ज़्यादा वो जो है कितना ग्लोइंग कलर दे रहा है, ठीक है, बट एक्चुअल कलर्स आर 24। बल्कि जो रिमेनिंग 32 तक जा रहा है तो वो उस कलर की जो है उस कलर्स की जितनी मतलब उसकी जो है इंटेंसिटी ऑफ दैट कलर्स हैं, ठीक है। सो एक्चुअल कलर्स आर द 24 बिट, 24 से आगे 32 तक जो जा रहा है, जो बाकी 8 बिट एड होके 32, तो ये असल में उस कलर की जो है वो जितनी उसकी वो है इस कलर की जो इंटेंसिटी है। द कलर रिप्रेजेंटेशन इज एक्सेलेंट बट सच इमेज रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी टू स्टोर। सो जो कलर्स रिप्रेजेंटेशन जितना ज़्यादा बेस्ट होगा, जितनी उसकी ज़्यादा जो है कलर वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड होगा फॉर स्टोरिंग द वैल्यूज, फॉर स्टोरिंग द डेटा, फॉर स्टोरिंग द वैल्यूज आर बिट्स ऑफ द डेट कलर्स, ठीक है। सो मोर कलर शेड्स रिक्वायर्ड द ह्यूज मेमोरीज फॉर स्टोरेज, ठीक है, ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड होगी फॉर द स्टोरिंग ऑफ दीज इमेजेस। जितना भी ज़्यादा कलर्स रिक्वायर्ड होंगे, जितने ज़्यादा कलर कम्बिनेशन ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा जो है कलर डेप्थ ज़्यादा होगा, या जितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो है शेड्स होंगे, मल्टीपल शेड्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, सो द कलर रिप्रेजेंटेशन इज एक्सेलेंट। जितने ज़्यादा शेड्स होंगे उतने ज़्यादा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलर फॉर दैट इमेज आर फॉर दैट वीडियो, जो भी होगा, जो भी ग्राफिक डिस्प्ले डिवाइस पे हमें जो भी इमेज या कोई वीडियो शो होगी। तो जितने ज़्यादा कलर्स इन्वॉल्व होंगे या जितने ज़्यादा एक्सेलेंट कलर होंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलर, सो दैट विल रिक्वायर द ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी टू स्टोर द वैल्यूज ऑफ दीज कलर्स। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को कलर और ग्रे स्केल की समझ आ गई होगी।